भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हमें 3 ओडीआई और 5 टी20 मुकाबलों की सीरीज देखने को मिलने वाली है, जिसका पहला ओडीआई मुकाबला होगा 22 तारीख को शाम 7 बजे से। लेकिन भारत और वेस्ट इंडीज के बीच की सीरीज कंप्लीट होने के बाद और एशिया कप और टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी हमें सीरीज खेलते हुए देखने को मिलने वाली है, जहां पर इस 3 ओडीआई मुकाबलों की सीरीज का पहला मुकाबला हमें 18 अगस्त को देखने को मिलेगा, दूसरा ओडीआई मुकाबला होगा 20 अगस्त को और तीसरा ओडीआई मुकाबला होगा 22 अगस्त को। तो इन 3 मुकाबलों के लिए अभी तक भारतीय टीम का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन इस सीरीज के साथ ही भारत के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर और भारत के वाइस कैप्टन केएल राहुल, जो कि इंजर्ड हो गए थे, उसके बाद जर्मनी में वो अपना इलाज कराने के लिए गए थे, वहां पर वो उससे रिकवर होकर पूरी तरीके से अपने फिटनेस पर वापस आने की तैयारियां कर रहे हैं। और अब इसके बाद ये बात कंफर्म हो चुकी है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट होने वाली सीरीज में केएल राहुल आप लोगों को भारतीय टीम में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। अगर भारत और वेस्ट इंडीज के बीच चल रही सीरीज की बात की जाए तो यहां पर शिखर धवन हमें कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत के बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस्ट दिया गया है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स की बात मानी जाए तो केएल राहुल आने वाली जिम्बाब्वे सीरीज में आप लोगों को भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। दरअसल वो भारत की टीम के वाइस कैप्टन है और भारत के जो कैप्टन है रोहित शर्मा, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनको जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाली सीरीज से भी रेस्ट दिया जाने वाला है, जिसके चलते केएल राहुल आप लोगों को भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। कमेंट करके आप लोग इसके बारे में अपना ओपिनियन जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर कीजिए सब्सक्राइब।